ज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मिलितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत श्रीयुतपकमल श्रीगुरोन वैष्णवा श्रीरूप सागर जात सह गण रघुनाथन्व तजीवे कृष्णकुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका का कांत, राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमा हरि प्रि वाछाकलरोग कृपा सिंधुभ्य च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय गोपाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वा सुदेवायो नारायण नमस्कृत्या नरम चोत्तम दवी सरस्वती व्यास तया मुदीर नष्टाएवद्रेश नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके नष्ट की ओंति शांति 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 जय गोपाल आइए मेरे प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों श्रीमद गीता सत्संग समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं श्रीमद गीता एक ऐसा शास्त्र अद्भुत शास्त्र है राज राजविद्या है विद्याओं में अति पवित्र है मन के सारे मेलों को धोने वाला शास्त्र है आपकी भावना को उज्ज्वल बनाने वाला शास्त्र है आपको परमेश्वर से मिलाने वाला शास्त्र है क्योंकि ये स्वयं श्री पद्मनाभ भगवान परम विष्णु श्री कृष्ण ने बोला है अपने अत्यंत प्रिय भक्त को अत्यंत प्रिय भक्त तो भगवान के मित्रवत होते हैं मित्र ही होते हैं अर्जुन उनका मित्र है जब पवित्रता से कोई भगवान की ओर जाता है भगवान उसका हाथ थाम लेते हैं जैसे समाज में एक मित्र दूसरे मित्र का हाथ थामता है संकट में सुख में दुख में ठीक वैसे ही आपके सुखों के भी साथ ही भगवान होते हैं और दुखों के भी तो आई सत्संग प्रारंभ करते हैं पिछले सत्संग में नौवें अध्याय का सत्ताइसवा श्लोक था भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से यहां से हम सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन तो जो भी कुछ करता है वह मेरे लिए कर जो भी कुछ खाता है करता है मुझे अर्पण कर कर्मों का फल मुझे अर्पण कर जो कुछ तो बनाकर खाता है सुंदर स्वादिष्ट भोजन वो मुझे अर्पण कर कुछ दान दक्षिणा देता है आहुति देता है हवन यज्ञ करता है वाट एवर यू परफॉर्म परफॉर्मिंग एक्ट जस्ट एक्ट फॉर मी जो भी तुम काम करते हो मेरे लिए करो अगर कोई तपते हो तो मेरे लिए तपो मेरी प्राप्ति के लिए तपो उस तप को भी मुझे अर्पण करो इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण करता हूं आप लोगों के सामने श्लोक इस, इस प्रकार से है सत्ताईसवा श्लोक है नौवे अध्याय का यद यद शनासी यद यजुओसी ददासी यद कौन्ते कौनते तत्कुरु सुमदर्पण मेरे अर्पण करो अर्जुन इसका खुलासा शब्दों में अर्थ करके समझाता हूं आप लोगों को यद करोसी भगवान कहते कि हे अर्जुन जो कुछ भी तू करता है वो मुझे अर्पण कर उसका उसका फल मुझे अर्पण कर इसका अर्थ क्या निकला इसका बहुत सीधा अर्थ है सिर्फ समझने की बात है क्योंकि आप सब आत्मा हैं और आत्मा की तरक्की तभी है जब भगवान से जुड़ा रहे भगवान के ध्यान में रहे भजन में रहे उनके संतों के सत्संग में रहे शास्त्रों के संपर्क में रहे संत पुरुषों की वाणी सुने और सत्कर्म करे सत्कर्म जो कि इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले कर्म है उसको ही योग कहा है उसको ही योगी कहा है चाहे वो भक्ति योगी हो चाहे ध्यान योगी हो चाहे ज्ञान योगी हो चाहे कर्म योगी हो योग का मतलब भगवान से जो जिसकी मिलन जिसका मिलन हो जाए योग मानी मिलन एक आत्मा का परमात्मा से मिलन एक भक्त का भगवान से मिलन हम काम तो सब करते हैं लेकिन कामों में जागृति नहीं होती हमारी यह सबसे बड़ी त्रुटि है इस त्रुटि का निवारण यह श्लोक कर रहा है कि जो कुछ भी आप करते हैं वो जागृत अवस्था में कीजिए जागृत अवस्था में करेंगे तो आपसे कोई कार्य गलत नहीं होगा होश में यदि कोई काम करेगा तो गलत कैसे होगा होश एक ऐसी वस्तु है जिसके पास सभी गुण सदगुण सिमट के चले आते हैं चारों तरफ से बेहोशी एक ऐसी चीज है जहां से सारे सदगुण भाग जाते हैं अवेयरनेस अवेयरनेस में जागृत अवस्था होश में आप खाते हैं नहाते हैं सड़क पर चलते हैं किसी से बात करते हैं रात को सोते हैं बच्चों में उठते बैठते हैं प्रेम करते हैं अपने वस्त्र जूते पहनते हैं इन सभी अवस्थाओं में अपनी अपनी कर्तव्य फील्ड में इन सभी अवस्था में आपकी जागृत अवस्था चाहिए यदि अवस्था जागृत नहीं है आप मूर्छित हैं तो सारे कर्म आपके गड़बड़ होंगे बिगड़ जाएंगे सारे कर्म इस आत्मा को तो प्रसन्न कर ही नहीं पाएंगे फिर परमात्मा को कैसे प्रसन्न करेंगे अवेयरनेस एक ऐसी वस्तु है जागृत अवस्था जिसके पास सभी गुण प्रकट होते हैं इसलिए आपको अपनी सांसों का भी ख्याल रहना चाहिए कि मेरी सांसें सुखपूर्वक चल रही है या नहीं चल रही है मैं सो रहा हूं क्या मैं वास्तव में पूर्ण सुख की नींद सो रहा हूं किस करवट से सो रहा हूं कितने बजे होंगे अभी रात के आपकी स्मृति भगवान श्री के चरण कमलों में है या नहीं सोने के वक्त आपकी जागृत अवस्था है कि नहीं आपके हृदय में दीपक जल रहा है या नहीं दीपक बुझा के सो रहे हैं तो आप मूर्छित होकर सो रहे हैं दीपक जला के सो रहे हैं हृदय रूपी दीपक लाइट तो बंद कर देना बेशक यदि हृदय रूपी दीपक जलाकर सो रहे हैं तो अवश्य आप जागृत अवस्था में सो रहे हैं जागृत जब होश में व्यक्ति काम करता है तो गलत कदम नहीं उठाता जिसको जागृत अवस्था है जिसका दीपक जला हुआ है वो नहीं कदम उठाता शराब पीने के लिए मांस खाने के लिए चोरी करने के लिए डाका डालने के लिए वो झूठ भी नहीं बोलता झूठ का सहारा नहीं लेना चाहता वो चैतन्य है जागा हुआ है वो जानता है झूठ बोलने से मेरी भावना दूषित तो होगी और दुर्गुण मेरे पास चले आएंगे वो जानता है चोरी करने से डाका डालने से मेरी भावना कलुषित होगी और सारे बुरे विचार मेरे घर में आके इकट्ठे हो जाएंगे जिनसे मैं अगला कार्य और भी घटित करूंगा नीच करूंगा मूर्छित अवस्था में सारे पाप होते हैं जागृत अवस्था में सारे कर्म पूर्ण होते हैं आपका नहाना भी पूर्ण होता है फिर आपका खाना भी पूर्ण होता है और जो कर्म आपकी आगे की तरक्की को रोके भौतिक तरक्की की बात नहीं है आध्यात्मिकता की और आपके विकास को रोके वो कर्म आप मत कीजिए जो कर्म भगवान की ओर आपके कदम बढ़ाते हो उन कर्मों को कीजिए भगवान को अर्पण करना है कर्मों का कर्मों का फिर आप आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कर्मों का जो फल आया उसको भगवान को अर्पण करो आप स्वतः ही सत्कर्म करेंगे उस फल से भी उस फल से आपके सारे कर्म सत्कर्म होंगे जो सत्कर्म होंगे वो भगवान को ही अर्पण होंगे सत्कर्म ही तो सत्य को अर्पण होते हैं सत्य पर भगवान का परमात्मा का दूसरा नाम है दुष्कर्म सत्य को अर्पण नहीं होते झूठ को अर्पण होते हैं। दुष्कर्म झूठों को अर्पण होते हैं। बुरे कर्म करने वाले अपने बॉस को कर्मों को अर्पण करते हैं गैंगस्टर्स होते हैं सिटीज के अंदर वो दुष्कर्म करते हैं किसी का कत्ल कर देते हैं किसी का घर जला देते हैं किसी का पांव तोड़ देते हैं किसी की आंख फोड़ देते हैं वो बॉस को अर्पण करते हैं अपने कर्मों को उनका जो भाई दादा भाई होता है लीडर ऑफ द गेंग उसको अर्पण करते हैं नराधम को अर्पण करते हैं नराधम को पूछते हैं नाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपज नराधमा मूर्छित अवस्था में रहने वाला व्यक्ति मैं मुझे नहीं पूछता अर्जुन वो नर अधमों को पूछता है जो नीच कर्म करने वाले हैं वही उसके ईश्वर होते हैं वही उसके बॉस होते हैं उन्हीं को पूछता रहता है तो बचिए सत्कर्म कीजिए वो कृष्ण को अर्पण होंगे परमेश्वर को अर्पण होंगे परमात्मा को अर्पण होंगे और आपकी भावना में परमात्मा समाहित होंगे आप गॉड कॉन्शियसनेस होंगे भगवत भावित होंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति कृष्ण को मिलता है भगवत भा, भावित व्यक्ति कृष्ण को मिलता है भगवान को मिलता है नाधम भावना वाला व्यक्ति थोड़ी कैसे मिलेगा वो नराधम को मिलेगा अधम नर को मिलेगा उसके बॉस को मिलेगा जो बदमाश है शहर का उसकी भावना उसी के चरण कमलों में है चरण कमल तो नहीं करना चाहिए कहना चाहिए धतुरा चरण कहना चाहिए धतुरा चरण कमल चरण तो भगवान के ही होते हैं तो उसके धतुरा चरण होते हैं जो असुर है राक्षस है पॉइजनिश चरण जिसको कहते हैं धतुरे का फूल क्या है पॉइजन है फल भी करो उसी हे अर्जुन जो तू कुछ करता है वो मेरे लिए कर यानी जिस कर्म को करने में इस सेल्फ की यानी आत्मा की तरक्की होती हो ऐसे कर्म कर मुझे अर्पण कर तो अर्पण तो अपने आप हो जाएंगे फिर जो व्यक्ति सत्कर्म करेगा जो अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए पचेगा उठते बैठते खाते पीते नाते बाजार जाते किसी से बात करते वो व्यक्ति जो बात भी करेगा तो भगवान के प्रति करेगा सत्यता की बातें करेगा झूठे संसार के टॉपिक्स को पॉलिटिशियंस के टॉपिक्स को टॉपिक्स को लेकर बात नहीं करेगा वो भगवान की भावना में भरा हुआ व्यक्ति सदैव भगवत भावित बात करेगा उसको ग्लोरीफाई करेगा ईश्वर की जय जय करेगा वो कर्म करेगा वो सत्य कर्म होंगे और जो कर्म उसकी भावना को शुद्ध करने के लिए अवरोधन पैदा नहीं करते हो ऐसे कर्म करेगा जो ऐसे कर्मों का फल आएगा तो तो भगवान को ही अर्पण हो गया सत्य को ही अर्पण हो गया सत कर्मों का फल सत्य को ही अर्पण हो जाता है लेकिन सत्कर्म होते अवेयर अवस्था में अवेयरनेस में जागृत अवस्था में तो आप होश में जीवन जिए तो आप सत्कर्म करेंगे बुरे कर्म नहीं करेंगे फिर कैसे किसी गाय को काट पीट के खाओगे कैसे किसी जीव को सताओगे नहीं सता सकते आपको ज्ञान होता है पूरी तरह कि ये भी मेरी तरह आत्मा है इनको भी इनके हृदय में भी वही क्रियाएं होती हैं जो मेरे हृदय में होती हैं इनको भी दुख होता है इनके भी आंसू आते हैं इनको भी भय लगता है ये भी बच्चे पैदा करते हैं उनको पालते हैं बड़ा करते हैं ये भी सोते हैं जगते हैं मेरी तरह इनको भी भूख प्यास लगती है मेरी तरह मैं क्यों इन जीवों को सताऊं उस ये होश में होता है सारा काम होश में दया क्षमा सत्य सभी आपके हृदय में प्रकट होती है सारे सद्गुण आपके हृदय में प्रकट होते हैं इनकी कुंजी है जागृत अवस्था होश में आपको हर चीज का हर चीज होश में करनी चाहिए खाना भी होश में जीना भी होश में चाहिए जीवन को जीना होश में चाहिए अपनी दफ्तर में दुकान पे जाते हैं आप आपकी चाल ढाल भी होश में होनी चाहिए कहाँ चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं आपको पूरा पता रहना चाहिए इस बात का किससे बात कर रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं क्या लूटने खसोटने की बात तो नहीं कर रहे किसी से कोई ग्राहक आपके पास आया क्या उसे प्रेम से बात कर रहे हैं या